हेलो गाइस, इट्स द वीकेंड एंड आज इज सैटरडे एंड हमारी तो छुट्टी होगी वैसे, तो सब लोग कमरे में यहाँ ऊपर ये उधर पीछे उधर हर कोई सो ही रहा है। मैं जल्दी उठने वाला इंसान हूँ, मैंने जल्दी जाग गया एंड मैंने देखा कि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत वेरी प्लेजेंट वेदर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खड़े हो गए, मैंने खिड़की खोल दी कुछ टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद, हमने ज़्यादा खिड़की खोलते नहीं बिकॉज कीड़े मकोड़े उड़ उड़ के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मैंने खोल ली। क्या कर दूँ, फोन दे दूँ नीचे से। ओके, फाइनली एक इंसान जाग चुके हैं और सुबह से उठ के हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया एंड अपना तैयारी करी थोड़ी सी। मैंने कल कराया हेयर कट एंड ऑल, मेरे को अच्छा लगा है एंड नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने करा लिया। करते हैं आज कुछ मस्ती, करते हैं आज पिक्चर अच्छा देखेंगे, कुछ करेंगे एंड सैटरडे संडे है ना, कुछ टाइम ऐसे कम ही मिलता है। हम आ गए हैं कॉलेज से बाहर, हमारा मस्ती करने का प्लान था तो हम आ गए हैं बाहर बारिश में थोड़ा भीगने, थोड़ा मस्ती करने, और हम जा रहे हैं कैंटीन में आराम से, वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे। हमारा थोड़ा क्रेजी फन करने का मन था बिकॉज हम सैटरडे को बहुत बोर हो रहे थे कॉलेज में और मतलब हॉस्टल में, और दिस इज़ ऑल द लाइक ग्रेट व्यूज एंड ऑल। यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, हमारे कॉलेज में कंस्ट्रक्शन चल रही है फालतू की, मतलब एक नई बिल्डिंग बन रही है लाइक जस्ट लाइक द कॉलेज एंड बहुत अच्छा एक मॉस्फेयर है, पूरा बहुत अच्छा मौसम है, लोग क्लासेस से आ जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, अच्छी खासी हवा चल रही है ऐसी एंड मुझे नहीं पता इसमें कितनी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, आई होप अच्छी हो रही होगी एंड चलते हैं अभी जल्दी कॉफ़ी पीते हैं, अभी देखते हैं खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। यहाँ में आ गई कॉफ़ी, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया है और यहाँ का मौसम बढ़िया, बारिश हो रही है, इतना बढ़िया माहौल है आसपास का, लेकिन पीछे थोड़ा कीचड़ भी हो गया, पानी भर गया है, लेकिन सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरी लोग क्लासेस में आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और एक पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं ना। हमारा पिज़्ज़ा इज़ हियर एंड हम लोगों ने अपने कैंटीन से पिज़्ज़ा मंगा लिया है, उसको आराम से खाएंगे एंड कॉफ़ी पी ली है, अच्छी थी, ठीक है एंड उसके बाद चलेंगे। हमने सोचा था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन पिज़्ज़ा हम नहीं खा पाए, मतलब पिज़्ज़ा खाने के बाद हम वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें डिज़र्ट खाने का मन कर गया था। सो अब आती है हमारे पेट में रसमलाई, तो हम ये खाने के बाद पक्का चले जाएंगे, पक्का 100% चले जाएंगे, बस ये लास्ट है उसके बाद जा रहे हैं पक्का पक्का। तो गाइस अभी बज रही हैं रात के ऑलमोस्ट 7:30 और मैं गया था वॉलीबॉल खेलने, हम लोग कॉलेज में खेलते हैं, हम लोगों की टीम है पूरी, प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं, सो मैं गया था वॉलीबॉल खेलने, मेरा बैक एंड अब वापस जा रहे हैं खेल के, इट वॉज़ अ गुड गेम्स टुडे, अच्छा खेला, मज़ा आया एंड अब जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे आराम से, मैसेज जाके सीधा ही लाइक वही दोनों दोस्तों से मिलूँगा। अच्छा इफ़ यू आर वंडरिंग कि वो दोनों दोस्त लाइक बाहर क्यों नहीं गए थे, लाइक जब हम पूरा बारिश वाला हमने पूरे दिन इन्जॉय किया, अच्छे से मस्ती करी, तो वो यही था कि वो एक की क्लास थी, दूसरा सो रहा था, उसका मन नहीं था आने का, सो दोनों ही नहीं जा पाए थे और तीनों मतलब जितने भी थे सब नहीं जा पाए थे, सो मेरे को ही जाना पड़ा, मैंने सोचा मैं तो चले ही जाऊँ, मेरे को अच्छा लग रहा था, सो मैं चला गया था। उसके बाद आके नहा धो लिए थे कुछ घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे बाद 2-3 राउंड मारे हमने कॉलेज तक के, वही 3-4-6 किलोमीटर और अब हम चल रहे हैं वापस। हेलो गाइस, वेलकम, रात के बज रहे हैं 9:15 और हम लोगों को रात को मन करा है कॉफ़ी बनाने का, वो होती है ना डेलगानो कॉफ़ी, क्या कहते हैं उसे, व्हिप्ड कॉफ़ी बनाने का मन कर रहा है एंड हम गर्म पानी लेके आए हैं, लेके आ रहे हैं, दूध हमें नीचे से मिल गया था, ब्रांडिंग नहीं कर रहा इसलिए फ्रंट साइड नहीं दिखाई है, पीछे की साइड दिखाई है और चीनी हमें मैसे मिल जाती है, कॉफ़ी हम लोग खुद खरीद के ले आए थे, इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा इसलिए पीछे से दिखा रहा हूँ और स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है मुझे किसी चीज़ की, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। और अभी कॉफ़ी के लिए पानी लेके आ रहे हैं और ये बर्तन है, इस पर कुछ ब्रांडिंग नहीं है तो ये दिखा सकता हूँ अंदर बाहर से हर जगह से, एक तो नौकर उसको भेजा है पानी लाने के लिए। हाँ, एक हमारे पास हमने एक क्या कहते हैं छोटू बना रखा है, पोर्टेबल नौकर, एक हाँ हमने एक पोर्टेबल छोटू बना रखा है, उसको रात को पानी में डालो सुबह तक नौकर, अभी आता ही होगा रात को पानी में डालो सुबह तक नौकर बन जाता है। अभी रुक जाओ, तो अब हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं, अब गर्म पानी इसको लाने भेजा है, कितनी पाँच लगी, पाँच अब तो छः मंगाई है, पाँच कलर डालता हूँ, देख ले पहले थोड़ी, एक्चुअली इसमें ज़्यादा कॉफ़ी डालनी नहीं पड़ती बिकॉज इसमें जो झाग बनता है ना वो जल्दी बन जाता है, ज़्यादा डालनी पड़ेगी, इसमें विस्कर भी है तो उस हम विस्कर वाले वो होता है ना कुछ जो वो, हाँ विस्कर दिखाना भी पड़ेगा वीडियो में, विस्कर क्या होता है, ऑडियंस को क्या पता,
छोड़ ऐसे ही निकल जाएगा। विस्कर नहीं बोलते, फ्रोथर बोलते हैं। वैसे तो बट ओके सर, ये है फ्रोथर, ये जितनी बैटरी है इससे बनाएंगे। इसकी भी मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ तो कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही है। और ये हमारा आगे मिस्टर छोटू, जिसको हमने बोला, जिसको हमने भाई तू वीडियो में दिखा दो, तू तू वैसे छोटू नहीं है, तू टाइटल से छोटू है। तो ठीक है, जो भी है। तो अब हम विस्कर हम ला चुके हैं, ये वाला ला के चुके हैं, मतलब था ही हमारे पास ये। और अब हम कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट से, इसको घोलते हैं। ये गर्म पानी ले आया, भी चेक करते हैं कितना गर्म है। लगता है गर्म, हाँ ठीक है, माइल्डली गर्म चाहिए होता है, तो हम बनाते हैं। रुक जाओ, अब यहाँ पे डिबेट चल रही है कि व्हिप्ड कॉफ़ी कहते हैं इसे या डलगोना कॉफ़ी कहते हैं। तो देवांश भाई का कहना है कि इसे व्हिप्ड कॉफ़ी कहते हैं, जो भी बन रहा है। और ये कह रहे हैं अर्नव साहब, कह रहे हैं हमारे छोटू जी कि डलगोना कॉफ़ी होती है। आई एम ऑल्सो ऑल डलगोना कॉफ़ी साइड, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ऐसा सही बनाने लगे हैं वैसे तो। ये मिल्क के ऊपर थोड़ा सा वो डाल देते हैं ना, क्रीम टाइप, और उसके बाद घोल लो तो बन जाती कॉफी। लेकिन हम लोग ठंडी नहीं बना पाएंगे, लाइक पानी डाला हट जा, और नहीं पानी और नहीं डालना, लेकिन इसको विस्क करना है अब अच्छे से। मेरे पे आ रहा है पता है, तो इसको विस्क कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं पानी और नहीं डालना, इसको पकड़ के कवर करके रखना पड़ेगा, तो कोई छोटी चीज में करते हैं। मेरे को लगता है इसको थोड़ा ना, रुक जा मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा टेढ़ा करके करते हैं। तो गाइस हम लोगों को थोड़ा तरीका मिल गया था कि हम लोग इसको ना थोड़ा सा अबे पतले बर्तन में करके बना सकते हैं ना, तो बन जाती है। तो हमारे पास ये वाला बर्तन अभी अवेलेबिलिटी है, तो हम विस्कर से कर रहे हैं। एंड ये मेरे से छीनना चाह रहा है, बस इसको खुद बनाना है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा होगी पता है। गाइस हमारे डलगोना कॉफी वाला ये क्रीम तैयार हो चुकी है, अब हम इस शेकर में और इसको थोड़ा सजाए चम्मच डलगोना। हाँ तो अब हमने कॉफ़ी बना दी है, कॉफ़ी डाल दी है, और हाँ अभी से काटना पड़ेगा। अबे मेरे से लेकिन गिरेगा व्हाट्सएप पे, किस में डालूं मैं, गिरेगा ये तो मैं डालता हूँ ना। आई एम विद यू। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं गाइस, विस्कर में। अब दूध वाला काम मेरा है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रेसिजन से डाल देता हूँ। गाढ़ा दूध चाहिए, प्रेसिजन इज द नेम। अबे प्रेसिजन के नाम पे सबसे पहले हगा है। ठीक है भाई कोई बात नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे, बस 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 खत्म ही हो गया। इतनी कॉफी पीऊंगा सुबह मरा हुआ मिलूंगा। नहीं भाई तो ज्यादा हो नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को चम्मच दियो, थोड़ा सा गिरा दिया है मैंने, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गिरा। अब इससे क्यों मिला ले, शेकर है लिटरली, वो बंद करके हिला दे पूरा। तो शेकिंग बॉल नहीं है, अगर इससे मिला लेंगे तो क्या जाने, चम्मच से शेकर में मिला रहे हैं, बिल्कुल ही पता नहीं। नाइस भाई, नाइस भाई। अब पता नहीं है जो इतना सारा दूध बचा इसका क्या करेंगे अगेन। अरे फिर नाम आ गया गलती से, चलो कोई बात नहीं। क्या सबके लिए बन गई, नहीं ये सिर्फ इसकी अकेले की है। पता नहीं मैं एक वीडियो में कितने लाइक प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप कर भी देता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता। कॉफी कम है तो और डाल ले भाई, खत्म हो जाएगी फिर वापस तुम लोगों को करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम डाल ले अपनी, तो एक बंदा तो खुश हो। हो गया आप कॉफी का आपका काम सर। तुम लोग को दो दो कितना दूध चाहिए दिखाओ, बहुत बड़ा है तो आधा, तो फिर तुम लोग को तीन और करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं तू बना तो सही, अपना बनाना। तो गाइस डलगोना कॉफ़ी तो हमारी एक बन गई थी इतनी सी, लेकिन अब हमारा डलगोना कॉफ़ी दोबारा बनाने का कोई मन नहीं था, बिकॉज कॉफ़ी भी ख़त्म और वो भी ख़त्म, वो सारा इसकी उसमें ही लग गया था। तो हमने दूध की थैली को ही थोड़ा सा लाइक ऊपर से इसको और थोड़ा सा काट के सास मानी इसमें डाल के इसी में ही कोल्ड कॉफ़ी ही बना ली है नॉर्मल। और अब हम दोनों कोल्ड कॉफ़ी पी रहे आधी आधी शेयर कर करके। एंड अच्छी बनी कोल्ड कॉफ़ी, हम लोगों ने अच्छी बनाई है, काम अच्छा करा हमने। और आज वैसे तो आज इंडिपेंडेंस डे था, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मुझे नहीं पता कि कब तक आएगा और कब तक आप लोग देखोगे, बट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड हम लोगों का आज कोई खास प्लान है नहीं वैसे कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले, सो शायद हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे ही। एंड उसके बाद अगर कुछ मस्ती करेंगे तो दिखा देंगे, वरना सो जाएंगे और बता देंगे कि हम सो रहे हैं। ओके बाय बाय। समय बज रहे हैं रात के 1:30। एक व्लॉग पिछले वाला व्लॉग वन वाला पार्ट मैं अभी एडिट कर रहा था, वो एडिट करके अब अपलोड पे लगा दिया, वो अपलोड हो रहा है। दूसरा पार्ट भी एडिट कर रहा हूँ, जो कि उसके एक दो दिन बाद डाल दूँगा। और अभी लग रही है मुझे बहुत ठंड, बिकॉज 16 पे AC चल रहा है। एंड अब आ रही है बहुत तेज़ नींद भी, सो मैं फटाफट सो जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो या एक सीरीज़ या हमारी एक
लाइफ का छोटा सा पार्ट जो हम दिखाते रहते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है. सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द चैनल एंड सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू फन न्यू एडवेंचर्स एंड न्यू स्टोरीज. बाय बाय. दिस इज प्रिंसी. से हाय. हाय. हेलो हेलो. ये हमारा पिज्ज़ा खाने आई थी. हम इसे पिज्ज़ा तो नहीं दे सकते तो हम इसको ये सब कर देते हैं थोड़ा थोड़ा. हाय.